इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना था, लेकिन अब हम इसको उस मेथड से बना चुके हैं। लंबा गया था, हो सकता है समझ में भी नहीं आया हो, लेकिन अब हम इसको एक मस्त ट्रिक से बता रहे हैं, है ना। और वो मस्त ट्रिक क्या है आपका, x बराबर r बाई r और y बराबर r बाई अल्फ़ा। लेकिन x बराबर r बाई r और y बराबर r बाई r कब होता था, जब इक्वेशन कुछ इस तरह से हुआ करता था, 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, 7x माइनस 5y माइनस 8 बराबर 0। तो आप x बराबर लिखते थे, y बराबर लिखते थे ना। अब यहाँ पे कहानी कुछ बदल चुकी है, यहाँ पे 1 बाई एक्स हो चुका है, 1 बाई वाई हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 बाई एक्स बराबर लिखेंगे, 1 बाई वाई बराबर लिख देंगे। क्या हम फार्मूला क्या लिख देंगे, 1 बाई एक्स बराबर आर बाई आर और 1 बाई वाई बराबर आर बाई अल्फा। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। आपको फिर से बता रहे हैं, अगर यहाँ x x y y नजर आता था तो आप x बराबर लिखते थे r बाई आर, y बराबर लिखते थे r बाई आर अल्फा, r बाई अल्फा। अब आपको यही वाली कहानी जो है ध्यान से देखी जाए तो x के जगह पे 1 बाई एक्स और y के जगह पे 1 बाई वाई नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई नज़र आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, जैसे x बराबर लिखते थे वैसे 1 बाई एक्स बराबर लिखेंगे। बात आई समझ में, बोलिए, सुन पा रहे हैं। चलिए तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे। तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रहा है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बना लेंगे। कैसे बना लेंगे कांस्टेंट टर्म को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, प्लस जीरो इंटू वन बराबर जीरो ऐसे, या फिर वन नहीं लिखेंगे तो भी हम जीरो ही लिख दें, क्या दिक्कत है। और इसका आरचेस ट्रिक वाला मेथड में भी ध्यान रहे कि आप आरचेस को लेफ्ट हैंड साइड में खींच लीजिए। तो आरचेस में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एलएचएस में जब उसको खींचेंगे तो वो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका। अब जो है आप क्या करें कि डायरेक्ट लिखिए 1 बाई एक्स बराबर आर बाई आर। तो आर जब लगाते हैं तो आर के लिए बस ध्यान यही रखना पड़ता है कि खींचते हैं ऊपर से तो ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ आते हैं। तो एक्स 1 बाई एक्स जब निकाल रहे हैं तो एक्स वाली क्वांटिटी ढका जाएगी, ये ढका जाएगा, तो ये ढका जाएगा, तो ऐसे गया आर ऐसे। तो वाई से नहीं करेंगे, y से कोई छेड़छाड़ नहीं, कांस्टेंट टर्म से छेड़छाड़ करेंगे। जैसे आप जब इसको ढकते थे तो ये 3 और 8 का ना गुना करते थे कि 3 y का गुना 8 में करते थे, तो y में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वेरिएबल हमारा 1 बाई है उसको रहने देंगे, 1 बाई वाई को रहने देंगे, और यहाँ भी 1 बाई वाई है उसको भी रहने देंगे। तो माइनस बी का गुना इसमें करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा और बी के ब्रेकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना में, तो इसका गुना इसमें हो गया, फिर माइनस यहाँ से, सॉरी गलती कर दिया, हमसे गलती हो गई, यहाँ से ऐसे खींचना था ना, पहले देखो आर के लिए देखो, सॉरी अल्फा था वो यार, क्या हो गया है, आर तो हम सही लिख रहे थे, वो अल्फा था ना, सही लिख रहे थे हम, आर ऐसे नहीं लिखाएगा ना, पहले हम यहाँ से शुरुआत होंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, है कि नहीं, वो ठीक लिख रहे थे, यानी कि माइनस माइनस प्लस और बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब जो है ये तो ढका हुआ है ये क्वांटिटी, तो यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे है वाई को नहीं कर देखेंगे ए स्क्वायर बी और जीरो को, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला जीरो है, तो ए स्क्वायर बी में जीरो का गुना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे क्या होगा आर, फिर से आर। तो ये वाला आर के लिए हमको कांस्टेंट टर्म को ढकना होगा, हम बताए थे एक्स को ढकना होता है कांस्टेंट टर्म को ढकना होता है, वाई को ढकना होता है कांस्टेंट टर्म को ढकना होता है, तो अब इसको ढक लिए कांस्टेंट टर्म को ढक लिए,
अब कांस्टेंट टर्म को ढक लिए तो अब ये वाला मिला, ये दोनों, ये तो ढका हुआ है, तो a का गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा, a का क्यूब इंटू बी, a का क्यूब इंटू बी, फिर माइनस क्योंकि ये r है, यहाँ से यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर माइनस हम लिखे हैं, इसका गुना में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसका गुना इसमें करोगे तो a इंटू बी का क्यूब आएगा, a इंटू बी का क्यूब आएगा, क्या ये बात सही है, बोलो। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो जीरो हो गया, नीचे में आपको कॉमन दिख रहा होगा ए बी, दिख रहा है ए बी कॉमन, तो नीचे अगर आपको ए और बी दोनों में दिख रहा है तो ए और बी ले लीजिए, इसमें आप बी पूरी तरह से लिए हुए हैं, ए का क्यूब है तो ए का स्क्वायर बचेगा क्योंकि ए भी कॉमन है, फिर प्लस ए कॉमन है आपका और बी स्क्वायर, बी क्यूब में से बी कॉमन है यानी बी स्क्वायर बचेगा, अब ये वाली कहानी इस वाली कहानी से कट जाएगी, बी से बी कट जाएगी, तो अब जो है आप देखेंगे कि 1 बाई एक्स जो है वो अब आ चुका है 1 बाई ए के बराबर, तो 1 बाई एक्स अगर 1 बाई ए के बराबर आ चुका है तो एक्स बराबर ए आएगा, क्या ये समझ में आया कि एक्स बराबर ए कैसे आया। चलिए अब वाई को वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक से हम क्या लिखे थे कि 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई रहेगा, तो 1 बाई वाई बराबर ही फॉर्मूला लिख दो आर बाई अल्फा, तो अब जो है यहाँ से 1 बाई वाई का फॉर्मूला हो जाएगा आर बाई अल्फा, अब वाई वाला जब निकालेंगे तो वाई को ढक देंगे, वाई वाले को ढकने के बाद आप आर लगाइएगा जब, तो ध्यान से सोचिए यहाँ से शुरुआत गया यहाँ पे, तो यहाँ से शुरुआत होगा यहाँ जाएंगे आप, तो ये माइनस है और ये ए है, एक्स से तो कोई छेड़छाड़ी नहीं है, तो ए का इसमें गुना होगा तो माइनस के साथ, तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अभी सॉरी यहाँ से यहाँ गुना किए फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से जब यहाँ आइएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से जब यहाँ आइएगा तो ये जीरो है, ये ए बी स्क्वायर है तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। अब वाई के लिए जब हम आर लिखते हैं तो वाई वाले को ढकते हैं, अब किसको ढकेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, बार बार बोल रहे हैं, वाई को निकालते समय एक्स को नहीं ढकते हैं, वाई को निकालते समय वाई ढकेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को ढकेंगे, एक्स को निकालते समय एक्स को ढकते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को ढकते हैं, अब कॉन्स्टेंट टर्म को ढक लिए तो ये कहानी ख़त्म हो गई। अब ये कहानी जब ख़त्म हो गई तो अल्फा अब लिखना है नीचे, अल्फा, तो अल्फा लिखते समय आप देखिए आप कैसे लिखते हैं, आप आते हैं ऊपर से फिर ऐसे नीचे की ओर जाते हैं, तो ये ढक चुका है यानी कि यहाँ से यहाँ आना होगा, फिर यहाँ से आप ऐसे आइएगा तो माइनस बी का गुना इसमें करिएगा, एक्स में नहीं, तो माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर, तो माइनस का क्या ए बी का क्यूब हो जाएगा, ए बी का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस लिखते हैं यहाँ से यहाँ, सॉरी अल्फा लिखना था तो अल्फा यहाँ आया, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ गुना करेंगे तो ए का इसमें गुना होगा तो माइनस ए क्यूब और बी। अब नीचे और ऊपर देखिए ध्यान से क्या कॉमन है, नीचे में कॉमन है ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है, तो नीचे में हम क्या ले सकते हैं कॉमन, माइनस ए बी कॉमन, तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे से हम माइनस ऑफ ए बी कॉमन ले लिए, तो माइनस ऑफ ए बी कॉमन लिए हैं अगर, तो ए पूरी तरह से कॉमन है, बी क्यू में से बी कॉमन है, बी स्क्वायर बचेगा, अब प्लस में ए स्क्वायर बचेगा, आप देख लीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए कट गया, तो 1/b आया, तो वाई बराबर 1/b नहीं आया, 1/y = 1/b आया, तो 1/y = 1/b, तो y = b आ गया आपका,
समझ में आया क्या? तो ये प्रिंट कर लीजिए आप। अब अगला क्लास में हम लोग अगला चीज सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू।